पेपा और उसका परिवार कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। हम पहुंच गए। पेपा, जॉर्ज, ये टेंट मैं छोटा था तब से मेरे पास है। डैडी, आप इन चीजों से टेंट कैसे बनाएंगे? चिंता मत करो पेपा, मैं कैंपिंग में एक्सपर्ट हूँ। मम्मी पिग, लकड़ियों पर टेंट लगाओ प्लीज। देखा तुमने कितना आसान है। ओह, क्या ये खूंटे किसी काम के हैं? बिल्कुल, मैं पेग्स के बारे में तो भूल ही गया। पेग्स के सहारे टेंट खड़ा हो गया। ये टेंट थोड़ा छोटा लग रहा है। जब मैं छोटा था तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन अब ये छोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि तब आप बच्चे थे और अब आप बड़े हो गए हो डैडी पिग। और आपका पेट सबसे बड़ा हो गया है। पेट से याद आया, चलो खाना बनाते हैं। आग जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ जमा करनी होगी। पेपा और जॉर्ज कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। जॉर्ज, मैं लकड़ियाँ उठाऊंगी और तुम इन्हें पकड़ लेना। लकड़ियाँ इकट्ठा करने में मजा आ रहा है। बहुत अच्छे, इतनी काफी है। बहुत अच्छा कैंप फायर है, अब जलाते हैं। ये रही माचिस। हमें माचिस की जरूरत नहीं है। डैडी, माचिस के बगैर कैसे जलाओगे? मैं पुराने तरीके से आग जलाने वाला हूँ, दो लकड़ियों को एक दूसरे पर घिस कर। डैडी पिग कैंप फायर जलाने के लिए दो लकड़ियाँ एक दूसरे पर घिस रहे हैं। आग कहाँ है डैडी? थोड़ा सब्र करो। देखा कितना आसान है। अब हम टमाटर का सूप गर्म कर सकते हैं। प्रकृति की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये कैसी आवाज है? ये कीड़ों की चीची आवाज है। ये किसकी आवाज थी? वो उल्लू है, देखो वहाँ पर। वाह, और ये कैसी आवाज है? ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये डैडी के पेट की आवाज है। मेरे पेट की आवाज प्रकृति की सबसे अच्छी आवाज है, इसका मतलब खाने का वक्त हो गया। मुझे टमाटर सूप बहुत पसंद है। मुझे भी। और अब सुनो डैडी पिग की एक और आवाज। क्या? चलो बच्चों, टेंट के अंदर अब सोते हैं। हम सब इसमें कैसे जा पाएंगे? ये तो बहुत छोटा सा है। सब ठीक है, जाओ तो अंदर। चलो मम्मी पिग, थोड़ी जगह दो मुझे। डैडी, आप इस टेंट के लिए बहुत बड़े हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बाहर सोना अच्छा लगता है। गुड नाइट डैडी पिग। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। सबको गुड नाइट। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज टेंट में सो रहे हैं और डैडी पिग बाहर सो रहे हैं तारों के नीचे। मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है, खुली हवा में तारों के नीचे सोना। शायद ये आइडिया कुछ खास नहीं था। सुबह हो गई है। डैडी, टेंट में बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। ओह, डैडी कहाँ है? डैडी पिग चले गए। बेचारे डैडी पिग, बारिश की वजह से उन्हें ठंड लग रही होगी, अब कहाँ है वो? ये कैसी आवाज है? ये तो खर्राटों की आवाज लग रही है। डैडी पिग, क्या हुआ? डैडी, आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, कैंपिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं गाड़ी में आकर सो गया। पुत्र डैडी पिग, मुझे कैंपिंग बहुत पसंद है। पापा अपनी सबसे अच्छी सहेली सूजी शीप का इंतजार कर रही है। हेलो सूजी। हेलो पापा। सूजी शीप पापा के साथ खेलने के लिए आई है। पापा को सूजी पसंद है,
सूजी को पेपा पसंद है, वो पक्की सहेलियां हैं। पेपा, क्यों ना तुम और सूजी बेडरूम में जाकर खेलो? ठीक है मम्मी। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। पेपा और सूजी को पेपा के बेडरूम में खेलना अच्छा लगता है और जॉर्ज को भी। नहीं जॉर्ज, ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है, जाओ और अपने खिलौनों से खेलो। पेपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं। मैं एक बहुत छोटी सी परियों की राजकुमारी हूँ। मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ और तुम्हें एक मेंढक बना दूंगी। जॉर्ज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता। जॉर्ज भी खेलना चाहता है। नहीं जॉर्ज, मैं सूजी के साथ खेल रही हूँ, तुम कहीं और जाकर खेलो। जॉर्ज पेपा के साथ खेलना चाहता है, वो अकेला महसूस कर रहा है। जॉर्ज मुझे मदद चाहिए, मैं चॉकलेट चिप कुकीज बना रही हूँ। जरा बोल में से चक्कर बताओ। जॉर्ज को कुकीज बनाने में मम्मी की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन उसे पापा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा? पेपा और सूजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जॉर्ज को भी। पेपा जॉर्ज की धड़कन सुनती है। जॉर्ज अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खांसो। मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा ढीला है, मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ। मुंह खोलो प्लीज। सूजी जॉर्ज का टेम्परेचर चेक करती है। ओह डियर, तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार है, मेरे ख्याल से तुम्हें 3 साल तक आराम करना होगा। डैडी पिग जॉर्ज को देखने आए हैं। ओ नहीं, क्या हुआ है जॉर्ज को? चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ खेल है, जॉर्ज हमारा मरीज बना है। ओ समझा, क्या हम मरीज से मिल सकते हैं? सिर्फ थोड़ी देर के लिए, वरना वो थक सकता है। कुकीज। हाँ ये जॉर्ज के लिए है, ये उसकी दवाई है ताकि ठीक हो जाए। माफ करना डॉक्टर, मेरी मदद कर सकती हो? मेरा पेट दुख रहा है, इसमें गुदगुदी होती है। मैं इसके गुड़गुड़ सुन सकती हूँ, मुझे लगता है आपको भूख लगी है। मुझे लगता है अच्छा होने के लिए मुझे बहुत सी कुकीज खानी चाहिए। और मुझे भी। और मुझे भी। और मुझे भी। आज शानदार धूप खिली है और पेपा और जॉर्ज अपनी साइकिलें चला रहे हैं। कितना बढ़िया पम्पकिन है डैडी पिग। डैडी पिग को अपने पम्पकिन पर नाज है। मुझे बस पम्पकिन ही उगाने आते हैं, शायद इसीलिए मुझे पम्पकिन पाई से प्यार है। जल्दी आओ जॉर्ज। डैनी, सूजी, रिबेका। पेपा और उसके दोस्त डैनी डॉग, सूजी शीप और रिबेका रैबिट अपनी अपनी साइकिलें चला रहे हैं और जॉर्ज अपनी ट्राइसिकल चला रहा है। ये कितना धीरे चलाता है। चलो डैडी पिग के पम्पकिन की तरफ रेस लगाएं। अगर हम डैडी के पम्पकिन की तरफ रेस लगाएं तो हमें ध्यान रखना होगा कि उससे टकरा ना जाए। अगर पम्पकिन टूट गया तो डैडी बहुत नाराज हो जाएंगे।
चिंता मत करो पेपा, रेस करो। पेपा और उसके दोस्त डैडी पिग के पंपकिन की तरफ रेस लगा रहे हैं। हे, मेरे पंपकिन का ध्यान रखना। रे! पेपा ध्यान से, डैडी का पंपकिन। सॉरी डैडी। देखो जॉर्ज को, वो कितने धीरे चला रहा है। जॉर्ज अभी तक बच्चों की साइकिल चलाता है। तुम्हारी भी तो बच्चों की साइकिल है पेपा, इसमें भी बैलेंसर लगे हैं। मैं बिना बैलेंसर के चला सकती हूँ। मैं भी। चलो फिर से पहाड़ी पर चढ़ें। तुम आओगी पेपा? नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी। बाय बाय। बाय। पेपा चाहती है कि उसकी साइकिल में बैलेंसर ना लगे हों। डैडी, मुझे अपने साइकिल में बैलेंसर नहीं चाहिए। तुम बिना बैलेंसर के चला पाओगी? हाँ। ठीक है पेपा, इसे निकाल देते हैं। डैडी पिग पेपा की साइकिल में से बैलेंसर निकाल रहे हैं। क्या तुम सच में बिना बैलेंसर के चला पाओगी? हाँ। मुझे नहीं लगता तुम चला पाओगी। मैं चला सकती हूँ। हाँ, हाँ। इसमें हंसने जैसा क्या है? बिना बैलेंसर के साइकिल चलाना आसान नहीं होता। मैं तुम्हारी मदद करूं पेपा। हाँ डैडी, प्लीज। ठीक है, रेडी स्टडी गो। छोड़ना मत डैडी। घबराओ मत, मैं पकड़े हुए हूँ। काफी अच्छा चला रही हो पेपा। छोड़ना मत डैडी। बस पैडल चलाती रहो। पेपा बिना बैलेंसर के साइकिल अपने आप चला रही है। डैडी, आपने मुझे छोड़ दिया। तुम तो कितनी देर से अपने आप चला रही हो। सच में? तुम सचमुच बहुत अच्छा चलाती हो। सच में? ओ, मैं चला सकती हूँ। देखो मुझे, देखो मुझे, मैं साइकिल ठीक से चला सकती हूँ। डैनी, सूजी, रिबेका, देखो, मैं बिना बैलेंसर के साइकिल चला सकती हूँ। देखो मुझे। चलो डैडी के पंपकिन की तरफ रेस लगाएंगे। पेपा, मेरे पंपकिन का ध्यान रखना। मैं जीत जाऊंगी। पेपा नहीं देख रही कि वो कहाँ जा रही है। पेपा ने तो डैडी पिग के पंपकिन की चटनी बना दी। सॉरी, मैंने आपका पंपकिन तोड़ दिया डैडी। पंपकिन की चिंता मत करो, जरूरी ये है कि तुम ठीक ठाक हो। आगे से ध्यान रखना कि किस तरफ जा रही हो। प्रॉमिस डैडी, जरूर रखूंगी। गुड। हाँ तो जब पंपकिन टूट ही गया है तो क्यों ना इसकी पंपकिन पाई बना ली जाए। मुझे पसंद है पंपकिन पाई। और क्योंकि डैडी पिग का पंपकिन इतना बड़ा है, इसलिए सबके लिए काफी पंपकिन पाई होगी। बैले क्लास। पेपा अपनी पहली बैले की क्लास में जा रही है। ये है मैडम गजेल, बैले की टीचर। ओहो, तो तुम हो छोटी पेपा। मैं हूँ मैडम गजेल। हेलो मैडम। ओह, कितनी प्यारी हो तुम। तुम्हारा इस बैले क्लास में तहे दिल से स्वागत है। मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगी। बाय बाय। मजे से सीखो। ये रहे पेपा के दोस्त, कैंडी कैट, सूजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। बच्चों, आज एक नई स्टूडेंट आई है, पेपा पिग। जाओ पेपा, अपने दोस्तों से मिलो। हेलो दोस्तों। हेलो पेपा। पेपा, हम शुरू करेंगे डेमी प्लिए से। डेमी प्लिए। अब एक छोटा जंप। पटी जीते। नजाकत और सुंदरता से
पटीश तय, नजाकत और सुंदरता। पटीश तय, नजाकत और सुंदरता। बैले की क्लास बहुत मजेदार है। अपने हाथ ऊपर उठाओ, ऐसा सोचो कि तुम एक खूबसूरत हंस हो। और तुम्हें क्या लगता है हंस कैसी आवाज करेगा? वाह, नजाकत और सुंदरता। पापा को नाचना बहुत पसंद है, सबको नाचना बहुत पसंद है। मम्मी मम्मी, हम सब ने हंसों की तरह डांस किया। पेपा ने बहुत अच्छा किया। मैंने बहुत नजाकत से और सुंदरता से डांस किया। शाबाश। मैं आपको दिखाऊं मैंने कैसे डांस किया? पहले घर चलते हैं, फिर तुम डैडी पिक को और जॉर्ज को और मुझे दिखाना। बाय बाय। पेपा और मम्मी पिक घर आ गए हैं। डैडी, जॉर्ज, मैं आपको दिखाऊंगी बैले कैसे करते हैं। क्या वो मुश्किल है? मेरे लिए तो बहुत आसान था, पर आपके लिए, जॉर्ज और मम्मी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। पहले हमें चाहिए म्यूजिक। गुड। अब जॉर्ज, डैडी और मम्मी, आप वैसा कीजिए जैसा मैं करती हूँ। मैडम गजेल ने मजेदार शब्द बोले, पर असल में सिर्फ घुटनों को मोड़ना होता है और जंप करना है। पटीशित। डैडी, आपको वो शब्द पता है? हो, क्योंकि मम्मी पिग और मैं बैले करते थे। सावधानी से डैडी पिग। हमें सबसे ज्यादा पसंद था पैडिटर। मुझे शायद ठीक से याद नहीं रहा। बुद्धू डैडी पिग। शायद हमें पेपा को ही बैले करते देखना चाहिए। हाँ, मैं उसमें सबसे अच्छी हूँ। मैं एक खूबसूरत हंस हूँ। बैले क्लास। पेपा अपनी पहली बैले की क्लास में जा रही है। ये है मैडम गजेल, बैले की टीचर। ओहो, तो तुम हो छोटी पेपा। मैं हूँ मैडम गजेल। हेलो मैडम। ओह, कितनी प्यारी हो तुम। तुम्हारा इस बैले क्लास में तहे दिल से स्वागत है। मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगी। बाय बाय। मजे से सीखो। ये रहे पेपा के दोस्त, कैंडी कैट, सूजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। बच्चों, आज एक नई स्टूडेंट आई है, पेपा पिग। जाओ पेपा, अपने दोस्तों से मिलो। हेलो दोस्तों। हेलो पेपा। पेपा, हम शुरू करेंगे डेमी प्लिए से। डेमी प्लिए। अब एक छोटा जंप। पटीशते। नजाकत और सुंदरता से। पटीशते। नजाकत और सुंदरता। पटीशते। नजाकत और सुंदरता। बैले की क्लास बहुत मजेदार है। अपने हाथ ऊपर उठाओ,
ऐसा सोचो कि तुम एक खूबसूरत हंस हो। और तुम्हें क्या लगता है हंस कैसी आवाज करेगा? नजाकत और सुंदरता। पापा को नाचना बहुत पसंद है, सबको नाचना बहुत पसंद है। मम्मी मम्मी, हम सब ने हंसों की तरह डांस किया। पापा ने बहुत अच्छा किया। मैंने बहुत नजाकत से और सुंदरता से डांस किया। शाबाश। मैं आपको दिखाऊं मैंने कैसे डांस किया? पहले घर चलते हैं, फिर तुम डैडी पिक को और जॉर्ज को और मुझे दिखाना। बाय बाय। पापा और मम्मी पिक घर आ गए हैं। डैडी, जॉर्ज, मैं आपको दिखाऊंगी बैले कैसे करते हैं। क्या वो मुश्किल है? मेरे लिए तो बहुत आसान था, पर आपके लिए, जॉर्ज और मम्मी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। पहले हमें चाहिए म्यूजिक। गुड। अब जॉर्ज, डैडी और मम्मी, आप वैसा कीजिए जैसा मैं करती हूँ। मैडम गजेल ने मजेदार शब्द बोले, पर असल में सिर्फ घुटनों को मोड़ना होता है और जंप करना है। पटिशित। डैडी, आपको वो शब्द पता है? हो, क्योंकि मम्मी पिग और मैं बैले करते थे। सावधानी से डैडी पिग। हमें सबसे ज्यादा पसंद था पैटेटर। मुझे शायद ठीक से याद नहीं रहा। बुद्धू डैडी पिग। शायद हमें पापा को ही बैले करते देखना चाहिए। हाँ, मैं उसमें सबसे अच्छी हूँ। मैं एक खूबसूरत हंस हूँ। पापा और जॉर्ज दादी और दादा पिग को मिलने आए हैं। दादी पिग। दादी एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, घर में अंदर आने से पहले जूते निकालो। जी दादी। पापा, जॉर्ज, देखो मैंने क्या बनाया, छोटे पर्दे। ये छोटे पर्दे क्यों बनाए दादी? ये एक सरप्राइज है, तुम्हें देखना है दादा पिग ने बगीचे में तुम्हारे लिए क्या बनाया है। जी दादी। दादा पिग, दादा एग। हेलो पापा और जॉर्ज, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, एक ट्री हाउस। एक ट्री हाउस जॉर्ज और मेरे लिए? और ये छोटे पर्दे तुम्हारे ट्री हाउस के लिए। पापा और जॉर्ज को उनका ट्री हाउस बहुत पसंद आया। थैंक यू दादी पिग, थैंक यू दादा पिग। पहले अंदर कौन जाना चाहेगा? मैं। तो फिर चलो। अपने ट्री हाउस में जाने से पहले मुझे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। मैं अपने ट्री हाउस में हूँ, मैं अपने ट्री हाउस में हूँ। जॉर्ज, क्या तुम्हें भी ट्री हाउस में जाना है? बताओ कौन है? जॉर्ज नाम का एक नौजवान तुमसे मिलना चाहता है, क्या वो अंदर आ सकता है? हाँ, पर उसे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। जॉर्ज, अपने जूते उतारो और फिर पापा को मिलने ट्री हाउस में जाओ। कौन है? जॉर्ज। आप कौन है? मैं हूँ मम्मी पिग, क्या तुम्हारे पास मेहमानों के लिए जगह है? आपको सीक्रेट कोड बताना होगा, उसके बाद ही आप अंदर आ सकती हैं। अच्छा जी, और वो सीक्रेट कोड क्या है? मुझे आपके कान में बताना होगा। सीक्रेट कोड है
डैडी का बड़ा पेट। ओह अच्छा। सीक्रेट कोड बताइए। डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब, डैडी का बड़ा पेट। मुझे लगता है ये सीक्रेट कोड बहुत ही बकवास है। मम्मी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे। हाँ पापा। डैडी आप भी अंदर आ सकते हैं। सीक्रेट कोड बताइए डैडी। क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है? नहीं। नहीं तो ठीक है, डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब। अब आप अंदर आ सकते हैं डैडी। अपने जूते उतारिए। मुझे नहीं लगता मैं दरवाजे से अंदर आ पाऊंगा। क्योंकि आपका पेट बहुत बड़ा है। एक काम करते हैं, डैडी पिग ऊपर से जा सकते हैं। पेपा, जॉर्ज, मम्मी पिग और डैडी पिग सभी ट्री हाउस में हैं। डैडी, मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है, मुझे कभी बाहर नहीं आना। अच्छी बात है पेपा, क्या तुम्हें मेरे घर पर मुझसे मिलने नहीं आना? नहीं, मुझे नहीं आना। तो फिर कुकीज जो मैंने घर पे बनाई हैं, वो हम दोनों ही खा लेते हैं। कुकीज। डैडी पिग। ये रही तुम्हारे लिए कुकीज, पर अगर तुम्हें अंदर आना है तो सीक्रेट कोड बताना होगा। ये आसान है, डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब। मुझे अब भी लगता है कि ये सीक्रेट कोड बड़ा बकवास है। साफ सफाई करना। पेपा और जॉर्ज अपने कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। जॉर्ज, चलो गुड़िया और डायनासोर्स के साथ खेलते हैं। वो क्या है? एक भयंकर राक्षस है। डायनासोर। ये एक डायनासोर है, बचाओ बचाओ। डैडी पिग बाहर के कमरे में अखबार पढ़ रहे हैं। मम्मी पिग अपनी किताब पढ़ रही है। वो क्या कर रही हैं? पापा, जॉर्ज, क्या चल रहा है? ये इतना शोर कैसा? वो बचाओ। ये क्या हो रहा है? कितना शोर कर रहे हो? और फर्श पर ये कितना सामान पड़ा है? इस पर गिरकर किसी को चोट लग सकती है। कोई सचमुच गिरा है और उसे चोट भी लगी है। अरे बाप रे, बेचारे डैडी पिग। अब चलो बच्चों, थोड़ी साफ सफाई कर ले। पर मम्मी, हम गुड़िया और डायनासोर से खेल रहे हैं। सफाई करने के बाद तुम खेल सकते हो। पर ये तो सारा जॉर्ज का सामान है। अच्छा, सचमुच? तो ये जॉर्ज का ही खूबसूरत ड्रेस होगा, है ना? नहीं। शायद थोड़ा सा सामान मेरा है। तो चलो, मैं सफाई करने में जॉर्ज की मदद करूंगा और मम्मी पिग पेपा की। क्यों ना हम रेस करें लड़कियों और लड़कों के बीच। बेहतरीन आइडिया है, देखते हैं पहले सफाई कौन करता है। 1, 2, 3। हम जीत रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रहा। ओह, ये क्या है? टेडी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। जल्दी पापा, टेडी को अपने खिलौने के बक्से में रखो। डाल दिया। अब ये किताबें। बढ़िया। ये क्या है यहाँ? डायनासोर। सही कहा, डायनासोर की किताब है। ये जॉर्ज की पॉपअप किताब है। ये टायरानोसोरस रेक्स है। टायरानोसोरस रेक्स। सही कहा। तो ये तो ब्रॉन्टोसोरस है।
ब्रंटोसोरस। बिल्कुल सही। और ये है ट्राइसेराटॉप्स। ट्राइसेराटॉप्स। सही कहा जॉर्ज। जॉर्ज को डायनासोर्स बहुत पसंद है। डैडी, जॉर्ज, आपने सफाई करना रोक दिया है, आप रेस हार जाओगे। अरे हाँ, रेस हार जाऊंगा। चलो जॉर्ज, ये किताब वापस रख दो। डैडी, आप बहुत धीरे धीरे सफाई कर रहे हैं। मम्मी और मैं जीतने वाले हैं। नहीं, हम जीतने वाले हैं। हम जीत गए। नहीं, हम जीत गए। हम सब जीत गए। देखो कमरा कितना साफ लग रहा है। कितना साफ कमरा है। सबको शाबाशी। मम्मी, अब जब हमने कमरा साफ किया है तो क्या हम गुड़िया और डायनासोर से खेल सकते हैं? हाँ, अब तुम अपना खेल शुरू कर सकते हो। यिप्पी! मेरी सारी गुड़िया कहाँ है? मिस्टर डायनासोर कहाँ है? मिल गए डायनासोर। ये डायनासोर है। बचाओ, बचाओ। कमरा फिर से गंदा हो गया। चलो थोड़ी देर के लिए तो साफ था। बीच पर पेपा और उसका परिवार बीच पर जा रहा है। पेपा और जॉर्ज को बीच पर जाना बहुत पसंद है। कितनी सारी चीजें हैं। याद रखना, लौटते वक्त हमें सब कुछ साथ लेकर जाना है। तौलिए, बीच बैग, छाता, बाल्टियाँ और ये बीच बॉल। शाबाश, अब खेलना शुरू करने से पहले थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाते हैं। धूप बहुत तेज है, इसलिए पेपा और जॉर्ज को सनस्क्रीन लगाना पड़ रहा है। चलो इस बीच बॉल से खेला जाए। बड़ी उछलती है। कितना अच्छा बीच बॉल है। जॉर्ज, तुम बॉल फेंको और मैं उसे पकड़ूंगी। अब जॉर्ज, तुम पकड़ो। ओहो, जॉर्ज छोटा है इसलिए बॉल नहीं पकड़ सकता। कोई बात नहीं जॉर्ज, क्या तुम्हें और पेपा को समंदर में तैरना है? हाँ डैडी, प्लीज। तो चलो अपने वाटर विंग्स पहन लो। अब तुम तैयार हो। वाटर विंग्स में तुम बहुत ही स्मार्ट दिखते हो। मेरी बारी, मेरी बारी। हो गया। अब तुम पानी में जा सकते हो। पानी ठंडा है? ये बहुत ही अच्छा और गर्म है। आराम से। आप ही ने शुरुआत की डैडी पिग। अब और कितना छिड़कोगी? डैडी, मुझे बीच पर आना बहुत पसंद है। पेपा और जॉर्ज को बीच बहुत पसंद है। सभी को बीच बहुत पसंद है। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम इन चीजों के साथ रेत में खेलना चाहोगे? हाँ मम्मी, खेलेंगे। डैडी, डैडी, क्या हम आपको रेत में छुपा सकते हैं? अभी? प्लीज डैडी। ओह चलो ठीक है। ये! पेपा और जॉर्ज डैडी पिग को रेत में छुपा रहे हैं। आराम से। हो गया, अब आप नहीं निकल पाओगे। मेरा सर थोड़ा गर्म हो रहा है, क्या मुझे स्ट्रॉ हैट मिलेगी? ठीक है, पहले प्लीज बोलिए। प्लीज, मुझे स्ट्रॉ हैट मिलेगी? हाँ जरूर मिलेगी डैडी। अब ठीक है, अब मुझे थोड़ी नींद आ रही है। जॉर्ज, चलो रेत का महल बनाते हैं। पेपा और जॉर्ज रेत के महल बना रहे हैं। जॉर्ज, पहले रेत को बाल्टी में डालते हैं, ऐसे।
फिर बाल्टियों को उल्टा करते हैं और ऐसे करते हैं, फिर बाल्टी को उठाते हैं। देखो बन गया। एक रेत का महल बन गया और एक रेत का महल। पापा, जॉर्ज, घर जाना है, अपना सारा सामान लेकर आओ। चलो देखें कि हम कुछ भूले तो नहीं। तौलिए, बीच बैग, छाता और बीच बॉल, सब कुछ ले लिया। मुझे यकीन है हम पक्का कुछ भूल रहे हैं। याद आया, हम हैट भूल गए। डैडी, हम डैडी को भूल गए। हाँ, हम डैडी पिक को भूल गए। क्या क्या हुआ? डैडी, मम्मी और मैं तो आपको भूल ही गए थे, पर जॉर्ज को आपकी याद आई। मुझे खुशी है कि जॉर्ज को मेरी याद आई। The Sleepy Princess। रात हो चुकी है, पेपा और जॉर्ज सोने जा रहे हैं। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। मम्मी, डैडी। बोलो पेपा। मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे? पर शायद जॉर्ज को नींद आ रही है और उसे कहानी नहीं सुननी। जॉर्ज, क्या तुम्हें कहानी सुननी है? हाँ बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगा। अगर डैडी पिग ने तुम्हें कहानी सुनाई तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों सो जाओगे। हम प्रॉमिस करते हैं। तो आज मैं तुम्हें स्लीपी प्रिंसेस की कहानी सुनाऊंगा। क्या ये एक अच्छी कहानी है? लगता है बोरिंग है। बोरिंग नहीं, बल्कि बहुत अच्छी है। क्या उसमें एक छोटी सी राजकुमारी है? पापा, अगर तुम बातें करती रहोगी तो डैडी पिग कहानी कैसे सुनाएंगे? सॉरी मम्मी, क्या कहानी में एक छोटी सी राजकुमारी है डैडी? हाँ, कहानी में एक छोटी राजकुमारी है। एक स्लीपी प्रिंसेस। बहुत पहले की बात है, एक महल में एक छोटी राजकुमारी रहती थी और उसे कहते थे स्लीपी प्रिंसेस। डैडी, उसे ऐसा क्यों कहते थे? ये मैं बाद में बताऊंगा। क्या स्लीपी प्रिंसेस बहुत सुंदर थी? हाँ, बहुत सुंदर। उसे अपने आप को आईने में देखना बहुत पसंद था। ओह, मैं कितनी सुंदर हूँ। उस महल में और कौन कौन रहता था? वहाँ अब उस महल में रहते थे एक छोटा सा प्रिंस, क्वीन मम्मी और किंग डैडी। बिल्कुल, वो सभी साथ रहते थे। क्या किंग डैडी का भी पेट बड़ा था? बिल्कुल नहीं, वो तो हैंडसम थे मेरी तरह। और हाँ, वहाँ पर एक ड्रैगन भी था। डायनासोर? अरे हाँ, वो ड्रैगन नहीं था, वो डायनासोर था। बाहर एक बड़ा भयंकर डायनासोर था। ओहो, शायद वो डायनासोर इतना भी भयानक नहीं था, है ना डैडी पिग? सॉरी जॉर्ज, नहीं, वो डायनासोर बहुत दयालु था। वो सिर्फ घास खाता था। डैडी पिग। ओप्स, सॉरी, मैं भी डायनासोर बन गया। डैडी, प्रिंसेस को स्लीपी प्रिंसेस क्यों कहते थे? वही तो बता रहा हूँ। वो क्या हुआ, शाम हो गई, तारे और चांद दिखने लगे और सबको बहुत नींद आने लगी। पर सबसे ज्यादा नींद स्लीपी प्रिंसेस को आई। पापा, नींद आ रही है? नहीं डैडी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। पर किसी को आ गई है। जॉर्ज, उठो भी, कहानी का अंत सुनना है कि नहीं? पेपा को तो नींद नहीं आ रही होगी, पर स्लीपी प्रिंसेस सो गई थी।
सारा दिन आईने में देखकर वो पूरी तरह से थक गई थी। चलो तुम्हें बिस्तर पर सुलाता हूँ। गुड नाइट। और फिर इस तरह से स्लीपी प्रिंसेस गहरी नींद सो गई। कहानी के लिए थैंक यू किंग डैडी। यू आर वेलकम क्वीन मम्मी। और हमारे छोटे प्रिंस और प्रिंसेस को भी बड़ा मजा आया। मम्मी पिक का बर्थडे। आज मम्मी पिक का बर्थडे है। डैडी पिग ने मम्मी पिग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। पेपा और जॉर्ज ने मम्मी पिग के लिए बर्थडे कार्ड बनाया है। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ओह, ये कितना प्यारा बर्थडे सरप्राइज है। और भी बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। अपने बर्थडे के ब्रेकफास्ट का मजा ले लो, आराम से खाओ। यम्मी। जल्दी करो, हमें बाकी सारी तैयारी करनी है। डैडी पिग ने मम्मी पिग के लिए बर्थडे केक बनाया है। अब हमें सिर्फ कैंडल्स लगाने हैं। एक, दो। मैं आ रही हूँ। मम्मी पिग ने अपना बर्थडे ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया। मम्मी आ रही है। ओह नहीं, हम अभी तैयार नहीं हैं। कौन है? मैं हूँ मम्मी, क्या मैं अंदर आऊँ? नहीं नहीं। यहाँ पर कुछ सीक्रेट चल रहा है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं, लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकती। अच्छा। मम्मी पिग, तुम आराम से हॉल में जाकर बैठ क्यों नहीं जाती? हाँ, ये अच्छा है। वैसे भी तुम्हारा बर्थडे है। ठीक है पापा, मुझे पता है सोफा कहाँ रखा है। ये लो एक अच्छा सा मैगजीन। थैंक यू पापा। और प्यारा सा म्यूजिक सुनो। थैंक यू पापा। हमें उतनी कैंडल्स चाहिए जितनी मम्मी की उम्र है। एक, दो, तीन। ओ नहीं, हमारे पास उतनी कैंडल्स नहीं है। डैडी, मम्मी कितने साल की है? मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ। वाव, बहुत बड़ी है। हो, मुझे लगता है 3 कैंडल्स काफी हो जाएंगी। मम्मी पिग का बर्थडे केक तैयार है। हुरे! हमें और कुछ नहीं, बस अब हॉल की सजावट करनी है। हेलो मम्मी। ओह, आ गए तुम लोग, मैं थोड़ी बोर हो रही थी। मम्मी, क्या आप गार्डन में एक वॉक लेना चाहेंगी? क्या मेरे पास और कोई रास्ता है? नहीं। बाय बाय मम्मी, अच्छा सा वॉक लेना, हम आपको जल्दी बुला लेंगे, ठीक है? मैं तो भूल ही गई थी कि बर्थडे पर कितना काम करना पड़ता है। डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज हॉल को सजा रहे हैं। मजा आ रहा है। दादा और दादी पिग मम्मी पिग का बर्थडे मनाने आए हैं। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। क्या तुम अंदर नहीं आ रही? ओह, मैं अभी अंदर नहीं आ सकती। डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज मेरे बर्थडे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे हैं। ओह, अच्छी बात है, बाद में मिलते हैं। बाय। मम्मी, क्या अब आप अंदर आना चाहोगी? हाँ बिल्कुल आऊंगी। आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद ही रखो मम्मी। एक, दो, तीन, अपनी आंखें खोलो। Happy birthday, कितना प्यारा सरप्राइज है ये। चलो अब कैंडल्स बुझाओ और विश मांगो। मम्मी मम्मी, अपना गिफ्ट खोलो, गेस करो इसमें क्या है। मुझे नहीं पता। तो खोलो और देखो। ये तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। आप खूबसूरत हो मम्मी। अब इसे पहन कर किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए। ये क्या है? 2 टिकट्स आज रात के फिल्म के, चलो चलें। थैंक यू। मम्मी पिग को फिल्म देखना पसंद है। मैं और दादी पिग बच्चों को घर पर संभाल लेंगे। हुर्रे!
कितना अच्छा बर्थडे है। लगता है मैं दुनिया की सबसे लकी मम्मी हूँ। और खूबसूरत भी। नई गाड़ी। आज पेपा और उसका परिवार उनकी लाल गाड़ी में घूमने जा रहा है। क्या हम छत नीचे कर लें? हाँ, प्लीज। पेपा और जॉर्ज को उनकी गाड़ी पसंद है। तो क्या सब तैयार हैं? तैयार। तो चलो चले। मुझे अपनी गाड़ी पसंद है। और हमारी गाड़ी भी हमें पसंद करती है, है कि नहीं? ओह, गाड़ी में कुछ खराबी है शायद। क्या हुआ डैडी? मुझे पता नहीं। चलो इसे दादा डॉग की गैराज में ले चलते हैं, वो इसे ठीक कर देंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है। दादा डॉग का गैराज है, वो गाड़ियाँ ठीक करते हैं। ओहो डैडी पिग, आपकी गाड़ी में तो खराबी है। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं दादा डॉग? हाँ, लेकिन इसमें पूरा दिन लग जाएगा। हम सब अपनी गाड़ी में घूमने जा रहे थे। फिक्र मत करो, तुम्हारी गाड़ी ठीक होने तक मेरी गाड़ी ले जाओ। थैंक यू दादा डॉग। क्या तुम्हें छत नीचे चाहिए? हाँ प्लीज। तो मैं बस इस लाल बटन को दबा देता हूँ। कितनी अच्छी गाड़ी है। तुम्हारे वापस आने तक मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूंगा। थैंक यू दादा डॉग। गुड बाय। बाय। गुड बाय। पेपा और उसके परिवार को नई नीली कार पसंद है। इस नई गाड़ी में तो बहुत सारे बटन्स हैं। हरे बटन से क्या होता है डैडी? चलो देखते हैं। जादुई खिड़कियाँ। डैडी, जादुई खिड़कियों को नीचे कर दो। नीले बटन से क्या होता है डैडी? मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। मुझे ये नई गाड़ी पसंद है, क्या हम इसे रख सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं रख सकते पापा, हमने बस ये आज के लिए ली है। ओ नहीं, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, तो मैं छत ऊपर कर देता हूँ। तो कौन सा बटन कहा था उन्होंने? मैं कितना बुद्धू हूँ। ये रहा वो बटन। नई कार ने डैडी पिग पर पानी उछाल दिया। बुद्धू डैडी, वो गलत बटन है। तो ये बटन रहेगा। ओप्स, ये तो नहीं है, तो ये रहेगा। डैडी पिग भूल गए हैं कि कौन से बटन से छत ऊपर होती है। ये गाड़ी शायद मुझे पसंद नहीं करती। हम लाल बटन दबा कर देखते हैं। हुरे! लेकिन बारिश अब रुक गई। क्या फिर से छत नीचे कर दे? क्यों नहीं, लेकिन कौन सा बटन था? लाल वाला। दादा डॉग ने गाड़ी को ठीक कर दिया। तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। थैंक यू दादा डॉग, ये रहे तुम्हारे पैसे। थैंक यू डैडी पिग। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। बाय बाय। अच्छा हुआ हमें अपनी कार वापस मिल गई। मुझे नई गाड़ी अच्छी लगी, लेकिन अपनी गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी भी हमें बहुत पसंद करती है ना? पिकनिक। ये एक बड़ा प्यारा सा सुहाना दिन है।
पेपा और उसका परिवार पिकनिक के लिए जा रहे हैं। डैडी पिग पिकनिक की टोकरी ला रहे हैं। पिकनिक ब्लैंकेट, ब्रेड, चीज, टमाटर और लेमोनेड। हम कुछ भूल तो नहीं रहे हैं ना? मम्मी का स्ट्रॉबेरी केक। ओहो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मम्मी का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक कहाँ है? सब तैयार? तैयार। तो फिर चलो। ये हमारी पिकनिक के लिए बहुत सही जगह है। आ, बाहर अच्छा लगता है। हमें थोड़ा दौड़ना चाहिए और थोड़ी कसरत करनी चाहिए। मैं तो खाना चाहती हूँ और सोना चाहती हूँ और दौड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहती। मुझे लगता है डैडी को थोड़ा दौड़ना चाहिए, उनका पेट बहुत बड़ा है। पर मेरा पेट बड़ा नहीं है, लेकिन मैं बाद में थोड़ी कसरत करूँगा, चाहे कोई और करे ना करे। चलो खाते हैं। अच्छा आइडिया है मम्मी पिग, मुझे बहुत भूख लगी है। स्वादिष्ट है। मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे लगा था तुम थोड़ा दौड़ोगे डैडी पिग। बाद में। देखो वहाँ तालाब में बत्तख है। मम्मी क्या हम बत्तखों को खिला सकते हैं? हाँ, तुम उन्हें ब्रेड खिला सकती हो। पेपा और जॉर्ज को बत्तखों को खिलाना अच्छा लग रहा है। मम्मी मुझे लगता है उन्हें थोड़ा और चाहिए। पेपा वो आखिरी ब्रेड थी और उन्होंने काफी खा लिया है। मुझे माफ कीजिए, हमारे पास और ब्रेड नहीं है। बत्तखों को और खाना चाहिए। लगता है डैडी पिग ने कुछ ज्यादा ही कसरत कर ली है। क्या? अब तुम यहाँ क्यों आई? पेपा ने तुम्हें बताया ना, यहाँ और ब्रेड नहीं है। मम्मी हमारे पास स्ट्रॉबेरी केक है। ठीक है, अगर केक बच गया तो तुम उन्हें खिला सकती हो। मम्मी पिग का घर का बनाया स्ट्रॉबेरी केक सबको पसंद आया। एक मक्खी, मुझे मक्खियों से चिढ़ है। शू, चिढ़ने की क्या बात है मम्मी पिग, ये सिर्फ एक मक्खी ही तो है। चलो जाओ मक्खी। बिल्कुल हिलना मत मम्मी पिग, ये उड़ जाएगी। देखा तुमने, तुम्हें कहा था बस हिलना मत। अरे चली जाओ, बचाओ, इसे भगाओ, भगाओ इसे। उम्मीद है मक्खी डैडी को काटेगी नहीं। दूर हटो छोटी सी मक्खी। नहीं, डैडी मक्खी से बहुत ज्यादा तेज भाग रहे हैं। इसके पहले कि मक्खी वापस आ जाए हमें केक खा लेना चाहिए। ओ नहीं, हम बत्तखों के लिए बचाना तो भूल ही गए। मेरे ख्याल से वो चली गई है। आपने कहा तो था कि आप दौड़ेंगे और कसरत करेंगे डैडी पिग, लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसा किया। अच्छा हुआ मैंने अपना स्ट्रॉबेरी केक किसी तरह से बचा लिया। रुकिए डैडी, हमने बचा हुआ केक बत्तखों को खिलाने का वादा किया है। ओ तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। चलो डैडी को शुक्रिया कहो। तुम्हारा स्वागत है। हो हो। घर जाने का समय हो गया, बत्तखों को गुड बाय कहो। बाय बाय बत्तख, तुमसे फिर मिलेंगे। Flying a kite. ये चमकता हुआ एक सुनहरा दिन है। पेपा और उसका परिवार पार्क में है। वो एक पतंग उड़ाने वाले हैं। पहले जॉर्ज पतंग उड़ाएगा। जॉर्ज बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन उसकी पतंग नहीं उड़ती। जॉर्ज तुम सब गलत कर रहे हो।
तेज नहीं दौड़े। अब मेरी बारी है। पेपा बहुत तेज दौड़ती है लेकिन पतंग अभी भी नहीं उड़ी। बाहर हवा नहीं है तो पतंग नहीं उड़ेगी, चाहे तुम कितना भी तेज दौड़ लो। जब तक थोड़ी हवा ना चले हम सबको इंतजार करना होगा। देखो हवा चल रही है। अब जबकि हवा चल रही है तो पतंग उड़ सकती है। अब हवा काफी तेज है। अब हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। शुक्रिया डैडी। डैडी पिग पतंग उड़ाते हैं। और ऊपर और ऊपर। डैडी पिग बहुत अच्छी पतंग उड़ाते हैं। वाओ। मैं इन चीजों में थोड़ा माहिर हूँ। उन पेड़ों से बचो, तुम्हारी पतंग उनमें फंस सकती है। चिंता मत करो, मुझे मालूम है क्या करना है। ओह डियर, डैडी पिग की पतंग एक पेड़ में अटक गई। ओह नहीं। चिंता मत करो जॉर्ज, डैडी पतंग को नीचे उतार लेंगे। ध्यान से, वहाँ एक बड़ा मिट्टी का गड्ढा है। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में कूदना अच्छा लगता है। हम गड्ढे में कूद सकते हैं? प्लीज। मैं नहीं चाहती तुम मिट्टी में गंदे हो जाओ। पीछे रहो बच्चों। जरा ध्यान से डैडी पिग। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। जरा ध्यान से। बस थोड़ा सा और डैडी। डैडी पिग, तुम इस टहनी से काफी ज्यादा भारी हो। रहने दो, मैं जानता हूँ मैं इसे कितना भारी हूँ। डैडी पिग ने पतंग को उतार लिया। ओह डियर, सबके सब मिट्टी में सन गए। ये तो सिर्फ मिट्टी है। अच्छा हुआ डैडी पिग को कोई चोट नहीं आई और पतंग पेड़ से निकल आई। मम्मी, अब हम गंदे हो गए हैं तो क्या हम मिट्टी में कूद सकते हैं? हाँ ठीक तो है, अब तुम इससे ज्यादा गंदे तो हो नहीं सकते। और मुझे लगता है धुलाई का काम डैडी करने वाले हैं। पेपा और जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। मम्मी और डैडी को मिट्टी के गड्ढे में ऊपर नीचे कूदना अच्छा लगता है। सभी को गड्ढों में कूदना अच्छा लगता है। गड्ढों में ऊपर नीचे कूदने में उतना ही मजा है जितना पतंग उड़ाने में। पेपा और जॉर्ज लुका छिपी खेल रहे हैं। ये जॉर्ज के छुपने की बारी है, उसे जल्दी ही छुपने की कोई जगह ढूंढनी होगी इससे पहले कि पेपा गिनती पूरी कर ले। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। जॉर्ज को बिल्कुल समय पर छुपने की एक जगह मिल गई है। दस। तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। पेपा को ढूंढना है कि जॉर्ज कहाँ छुपा है। तुम्हें ढूंढ लिया। पेपा ने जॉर्ज को ढूंढ लिया। जॉर्ज, मैं तुम्हें आसानी से देख सकती थी। अब पेपा की बारी है छुपने की। तीन। मैं जॉर्ज की गिनने में मदद करूंगी। एक, दो, तीन, चार, पांच।
अपनी आंखें खोलो। जॉर्ज को ढूंढना है कि पेपा कहाँ छुपी है। आओ। पेपा मेज के नीचे नहीं छुपी है। जॉर्ज, क्या तुमने ऊपर ढूंढने के बारे में सोचा है? पेपा बिस्तर के नीचे नहीं है। वो कैसी अजीब सी आवाज थी? पेपा पर्दे के पीछे भी नहीं है। फिर से वही अजीब सी आवाज। वो क्या हो सकता है? जॉर्ज ने ढूंढ लिया कि पेपा कहाँ छुपी थी। जॉर्ज ने मुझे ढूंढ लिया। अब डैडी के छुपने की बारी है। मुझे लगता है जॉर्ज को एक और बारी मिलनी चाहिए। लेकिन जॉर्ज को ठीक से छुपना नहीं आता। मुझे यकीन है इस बार वो अच्छा खेलेगा। अपनी आंखें बंद करो और गिनती शुरू करो। एक, दो, ओह डियर, पापा आसानी से जॉर्ज को ढूंढ लेगी। पाँच, छः, जॉर्ज, यहाँ पर आ जाओ। सात, आठ, नौ, दस। तैयार हो या नहीं, मैं आ रही हूँ। ओह, जॉर्ज मेज के नीचे नहीं छुपा है। लेकिन जॉर्ज तो हमेशा मेज के नीचे छुपता है। क्या तुमने ऊपर ढूंढने के बारे में सोचा? मैं जानती हूँ वो कहाँ है। जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में है। ओह। जॉर्ज खिलौनों की टोकरी में नहीं है। वो कहाँ हो सकता है? पेपा को जॉर्ज कहीं नहीं मिला। डैडी, मुझे जॉर्ज कहीं नहीं मिला। ओह डियर, मैं सोचता हूँ वो कहाँ हो सकता है। असल में मुझे लगता है इस न्यूज़पेपर में जॉर्ज के बारे में कुछ है। जॉर्ज, तुम्हें ढूंढ लिया। ओ जॉर्ज, वो छुपने की अच्छी जगह थी। जॉर्ज पूरा समय डैडी पिग के न्यूज़पेपर के पीछे छिपा रहा। Thank you.